हमको पढ़ना है जनवरी नाइट, और जनवरी नाइट का मतलब होता है पूस की रात। पूस की रात, सावन भादो, पुआर कार्तिक अगहन, अगहन के बाद पूस आता है। ये हिंदी में हम लोग इसको जानते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है इसको जानना, कैसे शुरुआत होता है कैसे अंत होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसमें है कि जनवरी नाइट, इसके लेखक हैं प्रेमचंद, धनपत राय, इनका नाम है धनपत राय, बर्न इन वाराणसी ऑन जुलाई 31, 1880, 31 जुलाई 1880 को जन्म लिया लिए, और वाज ए प्रोलिफिक राइटर ऑफ बोथ हिंदी एंड उर्दू। एक ऊर्जावान, ठीक है, उपसर्जक लेखक थे, दोनों चीजों में, हिंदी एंड उर्दू, हिंदी और उर्दू के भी प्रकांड विद्वान थे। ही चेंज हिज पेन नेम टू प्रेमचंद आफ्टर हिज बुक, वह अपने पेन नेम को चेंज कर दिए प्रेमचंद्र के रूप में आफ्टर हिज बुक, अपने बुक के बाद। बुक सोजे वतन, सोजे वतन इनका एक बुक था, एक पुस्तक था, उसके बाद ये अपना पेन नेम चेंज कर दिए, ठीक है, अपना नाम प्रेमचंद रख दिए। वार बैंड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्यों, क्या हुआ था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बैंड हो गया था। बैंड का मतलब क्या होता है, प्रतिबंध लग गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा उस पे प्रतिबंध लग गया था। किस पे, इनके बुक पे, इनके बुक पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा प्रतिबंध लग गया था। कहता है, आगे कहता है कि ही रूट अबाउट द रियलिटीज ऑफ लाइफ एंड द वेरियस प्रॉब्लम फेस्ड बाय द कॉमन मैन इन एट टर्बुलेंट सोसाइटी। ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि उसमें उसने इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने उस बुक में ही रूट अबाउट द रियलिटी, वास्तविकता को लिख दिया था, ऑफ लाइफ, जीवन की वास्तविकता को, एंड द वेरियस प्रॉब्लम्स, और अनेक समस्याओं के का जिक्र किया था, फेस्ड बाय द कॉमन मैन, जो सामान्य लोग फेस कर रहे थे, ठीक है, जो सामान्य लोग फेस कर रहे थे बिफोर द स्वतंत्रता के पहले, जो सामान्य लोग फेस कर रहे थे उसके बारे में ये उसमें जिक्र कर दिए थे। होता क्या था कि वो बुक पे इसलिए बैन लग गया क्योंकि जो भी पढ़ता उस बुक को, जो भी पढ़ता, यदि उस बुक को कोई पढ़ता तो वह क्या हो जाता, वह डायरेक्ट, यदि कोई बुक को पढ़ता तो वो क्रांतिकारी हो जाता, इसलिए इनके बुक पे प्रतिबंध लगा दिया गया, बैन लगा दिया गया। आगे कह रहा है, ही फोकस चीफली ऑन द रूरल इंडिया एंड एक्सप्लेनेशन एक्सप्लोटेशन ही फोकस्ड चीफली ऑन रूरल इंडिया एंड द एक्सप्लोटेशन फेस्ड बाय द कॉमन विलेजर्स एंड एट द हैंड ऑफ फ्रीस्ट लैंडलॉर्ड्स लोन्स साक्स इटीसी। वो जनरली फोकस करते थे अपने किताबों में, वो जनरली फोकस करते थे कि रूरल इंडिया, जो क्षेत्रीय, जो ग्रामीण क्षेत्र था, ग्रामीण भारत था, उसको फोकस करते थे, उसको एक्सप्लोरेशन करते थे, फेस्ड बाय द कॉमन विलेज, उसका जिक्र करते थे, जो फेस कॉमन विलेजर्स जो फेस करते थे, विलेजर जो सामान्य ग्रामीण है, एट द एंड ऑफ प्रिस्ट, जैसे किसके हाथों से, प्रिस्ट पुजारियों के हाथों से, लैंडलॉर्ड्स जमींदारों के हाथों से, एंड लोन सार्क्स और लोन सार्क्स लोन देने वाले, लोन माफियाओं के हाथों से, इटीसी। ही आल्सो इम्फेसिस ऑन द यूनिटी ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम, वह हिंदू और मुस्लिम के यूनिटी पर भी इम्फेसिस करते थे, दबाव डालते थे। अबाउट द कंडीशंस ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम के बारे में वो जिक्र करते थे और उसकी यूनिटी के बारे में बात करते थे। सम ऑफ हिज वेल नोन वर्क्स आर गबन गोदान, गबन कर्मभूमि एंड प्रतिज्ञा। कुछ इनका जो वेल नोन वर्क्स है वो आपके सामने है, गबन गोदान कर्मभूमि एंड प्रतिज्ञा। मैंने एक बार इनका एक उपन्यास पढ़ा था, वही गबन, गबन या गोदान था। मुझे मैं जब तक उस बुक को समाप्त नहीं कर दिया तब तक मुझे चैन नहीं आया, पता नहीं क्या था उस बुक में, हमेशा सस्पेंस बना रहता था, इसके आगे क्या होगा, इसके आगे क्या होगा। ऐसा करते करते मैं रात को रात नहीं समझता था, दिन को दिन नहीं समझता था, जब तक बुक समाप्त नहीं कर दिया तब तक पढ़ता रहा।
मुझे आज भी याद है उनका, जो मैं बुक बुक पढ़ रहा था, लोग हमको कहते थे इसको क्या हो गया है। चलिए करके, हैव यू एवर हर्ड द स्टोरीज व्हिच डील्स विद द लाइफ एंड एनिमल्स आर बर्ड्स? क्या आपने कभी ऐसा कोई कहानी सुना है जिसमें व्हिच डील्स विद द लाइफ ऑफ एनिमल्स आर बर्ड्स, जिसमें जानवरों या चिड़ियाओं का के जीवन का वर्णन हो? ऑलरेडी पढ़े हैं आप लोग, अभी ये भी पढ़े हैं। Who told you this story? Those story, आपको वह कहानी कौन सुनाया, कौन कहा? And what lesson did you learn from them? और उससे आपने, उस आपको क्या शिक्षा मिलती है? चलिए इस चैप्टर को पढ़ते हैं। कह रहा है कि हल्कू केम, ठीक है, कह रहा है कि हल्कू केम इन एंड सैड। हल्कू हु इज, इस चैप्टर में कुछ कैरेक्टर हैं, कुछ पात्र हैं। एक है लैंडलॉर्ड, एक है हल्कू, दूसरा है हल्कू की वाइफ मुन्नी, और एक झबरा है, झबरा कुत्ता है, ठीक है। ये कहानी टोटली रूरल क्षेत्र से ही बिलोंग्स करता है। आप पढ़ें, कहानी इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा मर्मस्पर्शी भी है। कहता है, हल्कू केम इन एंड सेड टू हिज वाइफ। हल्कू अंदर आता है, आया और अपनी वाइफ से कहा, द लैंडलॉर्ड कम्स। देखिए नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग है। हल्कू जो है वो अजीब मुद्रा में आता है, अजीब दशा में आता है और कहता है कि द लैंडलॉर्ड कम, कि मकान मालिक आया है, लैंडलॉर्ड जमींदार आया है। गेट द रुपीज यू सेट असाइड, तुमने जो पैसे रखे हैं असाइड, एक किनारे जो बगल में पैसे रखे हैं, वो पैसे मुझे दे दो। आई विल गिव हिम, मैं उसे दे दूंगा द मनी, पैसा, एंड समहाउ, और किसी तरह से, और अदर्स वी विल गेट अलोंग विदाउट इट, और किसी तरह से हम लोग उसके बिना रह लेंगे। वी विल गेट अलोंग विदाउट इट, पैसे उसे दे दो। क्यों, लैंडलॉर्ड आता है तो गाली देता है, गाली, भाई कोई गरीब भी हो तो उसे गाली नहीं देना चाहिए। लैंडलॉर्ड आता है, गाली देता है, इसलिए वह परेशान है। मुनी हैड बीन स्वीपिंग, स्वीपिंग का मतलब होता है फूंक फूंक कर पीना। मुनी क्या है, मुनी हैड बीन स्वीपिंग, वह माड़ पी रही है। माड़ का तो जिक्र नहीं है, लेकिन दो चीज हम पी सकते हैं, मार या चाय। नहीं, कंडीशंस इतने रफ हैं कि यह चाय तो पी नहीं सकती, मार पी रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने कहीं सुना हुआ है कि मुनि मार पी रही है। मार आप लोग समझते हैं, बोलिए कितने लोग मार समझते हैं? जो चावल से निकाला जाता है भाई। पहले मार भात लोग खा के स्कूल चले जाते थे, अब तो चावल दाल सब्जी मिलता है तो फेंक देता है, ये खाएंगे, पकौड़ी बना, भुजिया बना। नहीं, कह रहे कि मुनी हैड बीन स्वीपिंग, शी टर्न अराउंड एट शेड, वह घूमती है और कहती है, बट देयर्स ओनली 3 रुपीज, मात्र 3 रुपए हैं। इफ यू गिव देम, यदि तुम उन्हें दे दोगे, टू हिम, वेयर्स द ब्लैंकेट गोइंग टू कम फ्रॉम, यदि तुम, ये 3 रुपए हैं और 3 रुपए तुम यदि उसे दे दोगे तो ब्लैंकेट्स कहाँ से आने वाले हैं, ब्लैंकेट्स कहाँ से आएगा? ब्लैंकेट का मतलब होता है चद्दर। अरे ठंडा का मौसम है, चद्दर चाहिए ना। हाउ आर यू गोइंग टू गेट थ्रू दिस जनवरी नाइट इन द फील्ड्स, कैसे रहोगे इस जनवरी नाइट में, पूछ की रात में, फील्ड में कैसे जाओगे? टेल मी, टेल हिम, वी विल पे हिम After the harvest, अरे उससे कह दो, tell him, मुझसे कह दो, we will pay, हम लोग चुकता कर देंगे, हम लोग दे देंगे पैसे after the harvest, harvest का मतलब फसल कटाई के बाद हम लोग उसे पैसा दे देंगे, या बात उससे कह दो, यदि तुम ये 3 रुपया दे दोगे तो blankets कहाँ से आएगा? Not right now, अभी नहीं, हम लोग harvest के बाद तुम्हें ये पैसा दे देंगे। For a moment, कुछ क्षण के लिए हल्कू हेजिटेटिंग, कुछ क्षण के लिए हल्कू क्या करता है, हेजिटेट करता है और खड़ा रहता है।
हेजिटेटिंग का मतलब आप समझ रहे हैं, हिचकिचाता हुआ, हिचकिचाते हुए वह वहां पे खड़ा रहता है। कौन? हल्कू। ठीक है, हल्कू कौन है? हल्कू कौन है? मुनि का हस्बैंड है। मुनि कौन है? हल्कू की वाइफ है। ठीक है, कह रहा है कि फॉर अ मोमेंट हल्कू स्टूड हेजिटेटिंग, जनवरी वाज ऑन द टॉप ऑफ देम। आप भी जानते हैं कि जनवरी जो होता है, उसकी रात जो होती है वह काफी ठंडा होता है, उसमें जनवरी में काफी ठंड होती है, दिसंबर से भी ज्यादा ठंड जनवरी में पड़ता है। कह रहे कि जनवरी वाज ऑन द टॉप ऑफ देम, विदाउट अ ब्लैंकेट ही कुडंट पॉसिबली स्लीप इन द फील्ड एट नाइट। बिना ब्लैंकेट के यह संभव नहीं था कि वे लोग वह स्लीप करे, सोए इन द फील्ड एट नाइट, रात में वह सो पाए। कहां? फील्ड में, खेतों में। आप देखते हैं ना, गांव के लोग क्या करते हैं, खेतों में मचान बना लेते हैं, मकई का सीजन होता है, खेतों पे मकान बना लेते हैं, वो मचान है। तो मचान बना लेते हैं और मचान के ऊपर मच्छरदानी लगा के सो जाते हैं, वैसे भी सो जाते हैं अपनी फसल की रक्षा के लिए। बट करे कि बट आगे क्या करे, बट लैंडलॉर्ड वुडंट बी पुट अप। लेकिन लैंडलॉर्ड वुडंट बी पुट अप, पुट अप का मतलब होता है बर्दाश्त करना, लेकिन वह बर्दाश्त नहीं करेगा। ही डिड थ्रीटन एंड इंसल्ट हिम। वह क्या करेगा? थ्रीटन करेगा, धमकाएगा, इंसल्ट हिम और इंसल्ट करेगा। सो व्हाट डिड इट मैटर इफ दे डाइड इन द कोल्ड वेदर एज लॉन्ग एज दे कुड जस्ट टेक केयर ऑफ हिज कैलामिटी राइट नाउ। करेक्ट। सो इसलिए व्हाट डिड इट, तब क्या है, क्या मैटर है, क्या बात है, इफ दे डाइड, यदि वे लोग मर जाए इन द कोल्ड वेदर, ठंडे के मौसम में, एज लॉन्ग एज दे कुड जस्ट टेक केयर ऑफ हिज कैलामिटी। कैलामिटी का मतलब होता है आपदा, विपत्ति, राइट नाउ। ठीक है, अभी क्या होगा, यदि मान लो कि हम लोग इस विपत्ति में, इस आपदा में, इस क्या कहते हैं, इस कोल्ड वेदर में यदि मर जाए तब क्या होगा, तब उसका पैसा कहां से आएगा। एज ही थॉट दैट, एज ही थॉट दिस, ही मूव्ड हिज हैवी बॉडी। एज ही थॉट दिस, जैसे वह यह सोचकर, ही मूव्ड हिज हैवी बॉडी, वह भारी शरीर लेकर, भारी शरीर का मतलब यह मन भारी होता है। ही गेव अ लाई टू हिज नेम, करेक्ट, ही गेव द लाई टू हिज नेम एंड कम क्लोज टू हिज वाइफ। अरे कि वह अपनी पत्नी के पास आता है, ट्राइंग टू कॉक्स, ट्राइंग टू कॉक्स, कॉक्स का मतलब होता है मनाना, मनाने के लिए, मनाने का कोशिश करता है, ट्राइंग टू कॉक्स हर, ही सेड, वह कहता है, उसने कहा, कम ऑन, गिव इट टू मी, चलो कम ऑन, गिव इट टू मी, इसे मुझे दे दो। क्या मांग रहा है? पैसे। आई विल फिगर आउट सम अदर प्लान, मैं कोई दूसरा योजना बना लूंगा, या पैसे मुझे तुम दे दो, मैं कोई दूसरी योजना बना लूंगा। मुनि ड्रिव अवे फ्रॉम हिम, हिज आई एंग्री, मुनि ड्रिव, ड्रिव अवे, फेंक देती है, फ्रॉम हिम, खींचती है, करेगी, मुनि ड्रिव अवे फ्रॉम हिम, हर आईज एंग्री, ही सेड, गुस्सा के वक्त आती है, सी सेड, यू हैव ऑलरेडी ट्राइड सम अदर प्लान, अरे तुम कई बार ऐसा दूसरा योजना बना चुके हो, तुम्हारे मान का नहीं है। यू जस्ट टेल मी व्हाट अदर प्लान, तुम मुझे बताओ, अभी बताओ कि कौन सा दूसरा प्लान है, कौन सी दूसरी योजना है तुम्हारी, कहां से पैसे देने जा रहे हो, अभी मुझे बताओ। कह रहा है आगे, कहेगा यू जस्ट टेल मी व्हाट अदर प्लान्स कैन बी फाउंड, कौन दूसरे प्लान से तुम फाउंड कर सकते हो। इज समबडी गोइंग टू गिव यू अ ब्लैंकेट, क्या कोई तुम्हें ब्लैंकेट देने जा रहा है, क्या कोई तुम्हें चादर दे देगा। गॉड नोज, भगवान जानता है, हाउ मेनी डेब्ट्स आर ऑलवेज लेफ्ट ओवर दैट वी कैंट पे ऑफ, भगवान जानता है कि कितने कर्ज हम लोगों का, कहेगा डेब्ट्स, डेब्ट मींस कर्ज, आर ऑलवेज लेफ्ट, छूट गए, ओवर दैट वी कैंट पे ऑफ, हम लोग नहीं चुकता कर पाए, कितने कर्ज जो थे हम लोग नहीं चुकता कर पाए, भगवान जानता है। What I say is, give up this tenant farming,
मैं क्या कह रही हूँ, तुम गिव अप कर दो। गिव अप का मतलब होता है फोरसेक, फोरसेक का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना। कह रहा है कि गिव अप, त्याग दो, छोड़ दो दिस टेनेंट फार्मिंग। एक मिनट रुकिए। कह रहा है कि गिव अप दिस टेनेंट फार्मिंग। टेनेंट का मतलब होता है किराए का, ना? कि ये किराए का फार्मिंग जो है, खेती जो है, छोड़ दो। दिस बॉक्स किलिंग यू, यह काम तुम्हें मार देगा। व्हाट एवर, जो कुछ भी यू हैव हार्वेस्ट गोज टू पे अप द एरिया। कह रहे कि द बॉक्स किलिंग यू, यह काम तुम्हें मार देगा। व्हाट एवर, जो कुछ भी यू हैव यूर कह कि व्हाट एवर यू हार्वेस्ट गोज टू पे अप एरेंस दिया हुआ एरिया, एरिया नहीं। एक बकाया, ठीक है। कह रहा है कि यह आगे कह रहा है कि व्हाट एवर यू हार्वेस्ट गोज टू पे ऑफ द एरर्स। कह रहे कि जो कुछ भी बकाया रहता है इसके चलते, यह मतलब जो कुछ भी तुम हार्वेस्ट से कमाते हो, फसल से कमाते हो, वो तुम क्या करते हो, बकाया में ही चला जाता है। यह चीज तुम्हें मार देगा। सो व्हाई नॉट फिनिश विद इट, तुम इससे हट क्यों नहीं जाते, समाप्त क्यों नहीं कर देते। वेयर वी बर्न, वेयर वी बर्न जस्ट टू कीप पेइंग ऑफ डेब्ट। क्या हम लोग जन्म लिए थे केवल कर्ज भरने के लिए। Where we want just to keep paying off debt, earn some money for your own belly, अपने पेट के लिए कुछ पैसे कमाओ। Earn some money for your own belly, give up this kind of farming, इस प्रकार की कृषि क्या करो, give up कर दो, त्याग दो, छोड़ दो। I won't give you the money, want, मैं नहीं दूंगी। I won't give you the money, मैं ये पैसे तुम्हें नहीं दूंगी। Want, ठीक है, मैं पैसे नहीं दूंगी। सैडली, हल्कू सैड, उदास होकर हल्कू कहता है, देन आई विल हैव टू पुट अप विथ हिज अब्यूज, लूजिंग हर टेम्पर। तब कह रहा है हल्कू, उदास होकर कहता है, ठीक है, यदि तुम पैसे नहीं दोगी तो आई विल हैव टू पुट अप विथ हिज अब्यूज, मैं उसके अब्यूज के साथ गाली गलौज को सह लूंगा, मैं उसके गाली गलौज को सह लूंगा। लूजिंग हर टेम्पर, अपने टेम्पर को, अपने स्वभाव को धीरा करते हुए। मुनी सैड, मुनी कहती है आगे, व्हाई शुडंट ही अब्यूज, व्हाई शुड ही अब्यूज यू, वह तुम्हें क्यों गाली देगा, उसे क्यों गाली देना चाहिए तुम्हें। इज दिस हिज किंगडम, क्या यह उसका साम्राज्य है, क्या उसका राज्य है, वह तुम्हें क्यों गाली देगा। बट एज शी सैड इट, हर ब्रो रिलैक्स विद द फ्रॉम द फोन, जैसे शी सेड इट हर ब्रोज रिलैक्स फ्रॉम द फ्रॉम फ्रॉन। कह रहे कि उसके भौवें सिकुड़ गए। द बीटर ट्रूथ, कड़वा सत्य, इन हल्कूज वर्ड केम चार्जिंग एट हर लाइक अ वाइल्ड बीस्ट। कह रहे कि द बीटर ट्रूथ, कड़वा सत्य, इन हल्कूज वर्ड, हल्कू के शब्दों में सच्चाई थी। वर्ड कैम चार्जिंग एट हर लाइक ए वाइल्ड बीस्ट, वाइल्ड बीस्ट का मतलब होता है जंगली सुअर, जंगली जानवर, ठीक है। कह रहे कि सी वेंट, थोड़ा सा और पढ़ेंगे उसके बाद से नेक्स्ट क्लास, थोड़ा सा हम लोग लेट कर दिए हैं। कह रहे कि सी वेंट टू नीचे इन द वेल, इन द वॉल, कि she went to नीचे इन द वॉल,
नीचे का मतलब नीचे नहीं, आवास होता है, स्थान होता है, जहां पैसे रखी थी वहां गई, she went to the नीचे, यहां नीचे ही दिया हुआ है, स्थान, आवास, मौका, took out the rupees, जहां पैसे रखी थी वहां गई, उस स्थान पे गई, took out the rupees, पैसे लेके आई, and handed them over to हल्कू, और हल्कू के हाथ में दे दी, then she said, उसके बाद वह कही, give up farming, this time, इसी समय से, अभी से, क्या करो, farming छोड़ दो, if you work as hired labor, यदि तुम hired labor की तरह, मजदूर की तरह भी काम करोगे, you will at least get enough food to eat from it. कह रहा है कि यदि तुम मजदूर की तरह भी काम करोगे तो तुम्हारे पास पर्याप्त भोजन मिलेंगे खाने के लिए, मजदूरी भी करोगे तो काफी पैसे होंगे. No, one will be yelling insult at you, और किसी की हिम्मत नहीं होगी, कोई yelling नहीं करेगा, चाहेगा नहीं तुम्हारी इंसल्ट करे, कोई तुम्हारी इंसल्ट भी नहीं करेगा. Fine work. फाइन वर्क, अच्छा काम है फार्मिंग. समवन इल्स लैंड्स, फार्मिंग अच्छा काम है, समवन इल्स लैंड, कहीं और भूमि पे. व्हाट एवर, जो कुछ भी यू अर्न, यू थ्रो बैक इनटू इट एंड गेट इंसल्ट इन द बार्गेन. करे, जो कुछ भी तुम कमाते हो वह तुम क्या करते हो, फेंक देते हो, दे देते हो दूसरे को. खेत में जो कुछ भी अनाज होता है वह तुम दूसरे को दे देते हो, उसके बाद से जो उसमें लगा रहता है पैसा, वो जो तुम किसी और से लेके लगाते हो उसके लिए तुमको इंसल्ट भी झेलना पड़ता है. इसलिए क्या करो, इस फार्मिंग को छोड़ दो. ठीक है, ठीक, एक पैरा और है. कह रहे, हल्कू टुक द मनी एंड वेंट आउटसाइड लुकिंग एज दाउ ही वेयर टियरिंग हिज हार्ट आउट and giving it away. Halku took the money, Halku paisa leta hai and went outside, aur bahar chala jata hai, looking as, aisa dekhte hue, though he were tearing his heart and out and giving it away. Jaise woh kya kar raha ho, apna dil cheer ke heart nikal ke kisi ko dene ja raha ho. He did save the rupees from his work. Woh is ye is in ye jo paise the usko kya kiya tha, सेव किया था, बचाया था अपने कामों से, पैसा बाय पैसा. फॉर हिज ब्लैंकेट, किसके लिए, ब्लैंकेट के लिए, चद्दर के लिए. टुडे ही वाज गोइंग टू थ्रो इट अवे, आज वह इसे फेंकने जा रहा है. विद एवरी स्टेप हिज हेड सैंक लोअर अंडर द बर्डन ऑफ हिज पॉवर्टी. कह रहा है कि एवरी स्टेप, प्रत्येक कदम पे उसका जो हेड था सैंक हो रहा था, कांप रहा था, हिल रहा था. Lower under the burden of his poverty, अपनी गरीबी के भार को सहते हुए, देखते हुए, प्रत्येक कदम पे उसका जो, प्रत्येक कदम पे उसका दिल कांप रहा था, वह बार बार सैंक हो रहा था कि वह क्या कर रहा है, इस पैसे को फेंकने जा रहा है. ऐसा लग रहा था कि वह पैसा नहीं, अपना दिल निकाल के देने जा रहा है, हर्ट निकाल दिया है और उसको लेके देने जा रहा है, ऐसा वह प्रतीत हो रहा था. कौन, हल्कू. ठीक है, पार्ट वन हम लोगों का समाप्त हो गया. आप इसको एक बार पढ़ेंगे, जहां आपको प्रॉब्लम होगा पूछ लेंगे. और मैं इसका जो है एक वीडियो है मेरे पास, ये तो ऑलरेडी मैं वीडियो बनाया हुआ, इसको शेयर कर दूंगा. लेकिन इसका एक मैं, ये फिल्म रूपांतरण है द जनवरी नाइट का, मैं उसको आपके साथ शेयर कर दूंगा. जनवरी नाइट का फिल्म रूपांतरण है, उसको मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा पिक्चर, पूरा कहानी समझ में आ जाएगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास करते हैं.